हम आपको शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी और रिच सी रेसिपी, चिकन जंगेजी की रेसिपी, और वो भी मिस्टर रेस्टोरेंट स्टाइल से। आए चले सीखते हैं किस तरीके से ये रेडी होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं हाजिर एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके और बहुत मज़े की रेसिपी लेके मैं हाजिर हूँ आज में, और बनाएंगे किस तरह रेडी करेंगे मेरे स्टाइल से। चले आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बाहर रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मज़ेदार रेसिपी रेडी होती है हमारी, और रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बना रही हूँ मैं। आते हैं रेसिपी तरफ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चिकन जंगेजी की रेसिपी। तो बहुत मज़े की बनती है, यमी से झटपट रेडी तो नहीं होती, लेकिन इसके तीन प्रोसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती चलूँगी। तो इधर मेरे पास सारे मसाले, पहले सारे मसाले बता देती हूँ आपको। तो ये मेरे पास चिकन नहीं है, 2 kg चिकन है, 2 किलो चिकन है मेरे पास, और ये बड़ा बॉल फुल भर कर है। साथ में 2-3 दरमियानी साइज़ी प्याज है जिसे रफली चॉप कर लिया है, 1 कप दही है मेरे पास, 7 अदर टमाटर है, ये धनिया गार्निशिंग के लिए, 1 और्पर्स क्रीम है मेरे पास, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं या दूध की भलाई भी ले सकते हैं आप। अदर लहसुन का पेस्ट है, जीरा पाउडर है मेरे पास, हल्दी पाउडर है, हरी मिर्च का पेस्ट है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, काली मिर्च और साबुत हरी मिर्चें एंड में गार्निशिंग के लिए, और साथ में ये है ख़ास मसाले कुछ। तो ये है साबुत लाल मिर्च मेरे पास, अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो बेस्ट ऑप्शन है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और ये है मेरे पास राई दाने का पाउडर है, जायफर है मेरे पास, साबुत धनिया है कुटावा, और साथ में मिक्स गरम मसाला है 1 खाने चम्मच मिक्स। तो इन सबको हम करेंगे अच्छी तरीके से पकाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। लेकिन और ये मेन सामान हमारे पास ये जो है ये कस्तूरी मेथी, ये एंड में गार्निशिंग के लिए है ये भी, और बहुत मज़े की रेसिपी होती। तो आते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले मेरे पास जो चिकन है इसमें मैं मसाला ऐड करूंगी। तो इसमें जो ऐड होगा होगी हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे, बाकी हाफ हम मसाले में भुनेंगे। साथ में इसमें ऐड होंगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, साथ में हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून। इसको कर लेंगे सही से मिक्स, और इसमें थोड़ा ऐड कर दूंगी मैं 1/2 कप दही, ये मैंने दूसरे कट बॉल में चेंज कर लिया है। 1/2 इसमें ऐड करेंगे, 1/2 कप हम ऐड करेंगे ग्रेवी में, और साथ में ऐड कर दूंगी नमक भी, तकरीबन थोड़ा मिक्स कर लिया है, और इसको अब मिक्स कर लूँगी सही से। फिर ये चिकन का हमने अच्छी तरह से मसाले लगा दिया, अब इसमें क्या करूँगी मैं, साथ में ही कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, इसे फ्राई कर लेंगे हम चिकन को। ये देखिए पहले स्टेप हमारा हो गया, इसे मैं फ्राई करने रख दी, जितनी मेरी कढ़ाई में मैंने उतनी डाल दी, बाकी ये सेकेंड राउंड में डाल दूँगी मैं। और आते हैं अब सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में हमने ना पतीली में तेल डाल दिया, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, ये जो मेरे पास साबुत गरम मसाले, साबुत लाल मिर्च और ये जितनी भी चीज़ें थी ये ऐड कर देंगे हम तेल में। साथ में इसमें ऐड कर दूँगी मैं प्याज भी, प्याज भी ऐड कर देंगे हम, और इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और इसको अच्छी तरीके से हम पकने देंगे 1 गिलास पानी डाल के। ये देखिए 1 गिलास पानी भी मैंने ऐड कर दिया, अब इसे पकने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। मैं साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च का पेस्ट भी, ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको पसंद है हरी मिर्च तो आप ऐड करो, वरना नहीं। मैं हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसको आप पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारे टमाटर और जो प्याज है इससे सॉफ्ट हो जाए, जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी इसको हम पीस लेंगे। साथ ही हमारी चिकन भी फ्राई होती जा रही है इधर, जैसे एक साइड से हो जाएगी हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरे साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। अब क्या करूँगी, ये इसी मसाले में जिसमें चिकन मैंने ऐड करी थी मैंने, तो इसमें बाकी के मसाले मिक्स कर दूँगी। ये दही ऐड करा, ये 3rd स्टेप में शामिल होगा, साथ में जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक। अब इसको मिक्स कर लूँगी सही से। ये देखिए मसाला मिक्स करने से मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। ये देखिए जो मसाला हमने मिक्स करा था वो प्याली में निकाल लिया है। एक्चुअली ये मसाला एंड में डलता है क्योंकि मैं भी ये एंड में ही डालूँगी, बस जो मसाले बॉल में लगे होते हैं उन सबको मिला के निकाल लेती हूँ मैं, इसे ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे रेडी, ये थर्ड स्टेप की तैयारी है। चिकन फ्राई करते हुए मैं ऐड कर दूँगी लेमन, तो ये लेमन पीस कर देंगे। एक अदर लेमन ले लिया, इसको पीस कर दूँगी मैं। लेमन जो होता है मैरिनेशन के वक्त डलता है क्योंकि मैं डालना भूल गई, जिससे मैंने बीच में ऐड कर दिया है। और ये देख, हमारी चिकन तकरीबन रेडी हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लूँगी मैं। और दूसरी भी मैंने साथ में ही डाल दी थी फ्राई करने की, टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए हमारा सेकंड स्टेप भी रेडी हो चुका है, ये हमारे नरम सॉफ्ट हो चुकी है प्याज और टमाटर, इसको अब हम ग्लैंड कर लेंगे। देखिए हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, बहुत मज़े की और अच्छी सी हो गई है चिकन फ्राई। अब आएंगे सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की तरफ। तो ये अदरक लहसुन इसी जिसपे फ्राई करें उसमें ही पका लेंगे हम, उसमें अदरक लहसुन डाल देंगे हम, उसे फ्राई कर लेंगे। देखिए इसमें अदरक लहसुन फ्राई कर लिया हमने, साथ में ही जो मैंने प्यूरी रेडी करी है ये जो प्यूरी ऐड कर दूँगी इसमें, अच्छे से इसे भून लेंगे। अब ये थर्ड स्टेप है, हमने अदरक लहसुन डाले तेल में और साथ में ही ये जो प्यूरी रेडी करी थी हमने सेकंड स्टेप की वो ऐड कर दिए, और इसका जो हमने मसाला बनाया था ये भी दही में ऐड कर देंगे साथ में, उसको भुनाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे कि हमारा रोगन तो वैसे ऑलरेडी थोड़ा ऊपर आ चुका है, और थोड़ा मज़ीद और भुनेंगे हम, इसकी थिकनेस थोड़ी और थिक करेंगे इसको हम। और ये बहुत मज़े की चिकन चंगेजी की चिकन रेडी होती, कढ़ाई बहुत यम्मी सी बनती है और ग्रेवी फुल होती है, जिसको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है उसके लिए तो ये फेवरेट हो सकती है। तो मज़ीद इसको मैं भूनूंगी और फिर इसके साथ शेयर करती जाऊंगी। देखिए हर चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई है, पहले हमने चिकन को फ्राई करा है, सेकेंड स्टेप में हमने प्यूरी रेडी करी है, पहले हमने चिकन फ्राई करी, सेकंड में प्यूरी रेडी करी है, और थर्ड स्टेप में हम इसकी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारी ग्रेवी तकरीबन हो चुकी है, इसमें हम चिकन फ्राई डाल देंगे सारी। ये देखिए आप इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए इसमें अब हम ऐड कर देंगे क्रीम, 2 से 3 टेबलस्पून हमने क्रीम ऐड कर दिए, और लास्ट में जाएगी सबसे एंड में हमारी कस्तूरी मेथी, तो इसको हम हाथ से क्रश कर करके डालते जाएंगे कस्तूरी मेथी को। अब इसे 5 सेकंड के लिए पकाएंगे बस, कि हमारे जो ये 5 से 10 सेकंड के लिए कि हमारी ये जो मेथी ये हल हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए, बाकी हमारी रेडी है। फिर हमारी कढ़ाई ये देखिए रेडी हो चुकी है, अब इसमें मैं हरी मिर्ची ऊपर से ऐड कर दूँगा, इसे सर्व करेंगे, रेडी है। लीजिए रेडी है हमारी चिकन जंग क्रेजी की रेसिपी, और इसके ऊपर से मैं प्रेजेंटेशन के लिए क्रीम ऊपर से ऐड कर दूँगी इस तरीके से, और ऊपर थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे हरा धनिया। लीजिए रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल से चिकन जंग क्रेजी की रेसिपी, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और बहुत मज़े की और यमी सी बनती है, बहुत क्रीमी फुल और फ्लेवरफुल होती है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के हिसाब से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अब मिलूँगी एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।